तो आज हम बनाएंगे अलवर की फेमस मिठाई कलाकंद। ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी होता है। वो बात अलग है कि इसे बनाते बनाते हाथों के वॉट लग जाती है, लेकिन अच्छा खाने के लिए मेहनत भी तो करनी ही पड़ती है ना। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की ओर पूरी टिप्स ट्रिक्स और स्टेप्स के साथ। तो सबसे पहले ले लेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि दूध ना जले, और साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें दूध। 2 किलो दूध का हम यहाँ पर कलाकंद बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप आपके लिए ये है कि कलाकंद बनाने के लिए हमें लोहे वाली कढ़ाई यूज करनी है। चाहे तो आप सिल्वर की कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है लोहे वाली कढ़ाई। आप देख सकते हैं 2 किलो दूध हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब इसे पलटे से कंटिन्यू चलाते हुए एक उबाल पर ले आएंगे। ध्यान रहे कि मिल्क केक को हाई फ्लेम पर ही पकाना होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप देख सकते हैं दूध उबल चुका है। अब इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। तब तक हम एक डिब्बा रेडी कर लेते हैं जिसमें हमें कलाकंद को जमाने के लिए रखना है। तो बस कुछ इस प्रकार का स्टील या प्लेटिनम का डिब्बा ले लीजिए जिसमें कलाकंद में गर्माहट बनी रहे। गर्माहट बनी रहेगी तभी तो कलाकंद का कलर चेंज होगा। तो बस ऐसा डिब्बा ले करके इसमें अच्छे से घी लगा दीजिए। साथ ही कुछ इस प्रकार का कोई भी गर्म कपड़ा ले लीजिए जिसमें इस डिब्बे को अच्छे से लपेट करके 5-6 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो बस अब इसे साइड रख दीजिए और आ जाइए कलाकंद की ओर। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए। अब बारी आती है चीनी ऐड करने की। आधा कटोरी के बराबर मैंने यहाँ पर चीनी ली है। चीनी को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, पार्ट्स में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में चीनी को ऐड किया है। आप चाहे तो चीनी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चीनी को आप इसी स्टेज पर ऐड करें। आप चाहे तो चीनी को स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बीच में भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस कलाकंद के पकने के टाइमिंग में फर्क आ जाता है। मैंने यहाँ पर दूध के उबलने के बाद में चीनी ऐड की है और इसे अच्छे से मेल्ट होने तक स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर पकाते रहेंगे। और साथ ही कढ़ाई के किनारों पर जो दूध जम जाता है उसे भी हम पलटे से हटाते रहेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब बारी आती है इसमें दाने लाने की। दाने लाने के लिए आप चाहे तो नींबू, सिट्रिक एसिड या फिटकरी कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिटकरी यूज ली है। इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। 2 से 3 पिंच हम इसमें फिटकरी ऐड कर देंगे। सारी फिटकरी एक साथ ऐड नहीं करेंगे, 2-2 मिनट के डिफरेंस में हम इसे ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फिटकरी ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। 2 मिनट के बाद फिर से पिंच और फिटकरी ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। बस इसी तरह हमें फिटकरी ऐड करनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें दाने बनने लगेंगे। यही दाने धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। ये देखिए धीरे धीरे दाने बड़े होने लगे हैं। बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसे स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाते रहेंगे। इसे यहाँ पर हमें 1/3 होने तक पकाना है। बस आप ऐसा कोई भी ढक्कन या प्लेट ले लीजिए जिसे आप अपने सामने रखिए जिससे कि इसमें से जो छींटे उठे वो आपके मुंह पर ना आए। देखिए दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होने लगी है और दाने भी प्रॉपर बनने लगे हैं। ये जब कुछ इस तरीके से अच्छे से थिक हो जाए तो बस इसमें ऐड कर दीजिए इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते रहिए। देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से दाने आ गए हैं और इसमें थिकनेस भी अच्छी आ गई है। साइड में जो भी दूध चिपक गया हो इसे भी अच्छे से पलटे से निकालते रहिए। बस जब ये कुछ इस तरीके से थिक हो जाए तो ऐड कर दीजिए इसमें 2 से 3 चम्मच घी। घी ऐड करने से ये जलेगा नहीं और इसमें कलर भी अच्छा आएगा।
और घी की वजह से इसका टेम्परेचर भी इतना हाई हो जाता है कि यह अपने कलर को अच्छे से मेंटेन कर लेता है। घी ऐड करने के बाद इसे 3-4 मिनट ही पकाना है और इसे जल्दी से निकाल लेना है। आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। अब फटाफट से जो बॉक्स हमने रेडी किया हुआ था उसमें इसे ट्रांसफर कर लेंगे। इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है और इसे अच्छे से बंद करके वॉर्म कपड़े से अच्छे से लपेट कर रख देंगे। कम से कम इसे हम 5-6 घंटे के लिए अच्छे से रख देंगे, वरना आप चाहे तो 10-12 घंटे भी इसे रख सकते हैं। 5-6 घंटे हो चुके हैं, अब बारी आती है इसे निकालने की। चक्कू लेकर के चारों तरफ से इसे इस तरह से निकालिए और कोई भी प्लेट लेकर इसे ऐसे हाथों से टैप टैप करते हुए प्लेट पर निकाल दीजिए। अब इसे चक्कू से अच्छे से कट कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और दाने भी एकदम प्रॉपर आए हैं। जैसे मार्केट वाले कलाकंद में दाने होते हैं वैसे ही इसमें दाने आए हैं। अब आप इसे चाहे जैसे कट कर सकते हैं। अब बारी आती है इसे प्लेटिंग करने की। इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसे पिस्ता और गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया है। तो देखा आपने कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और ना ही कुछ ज्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो बस इस बार आप भी मार्केट से ना लाकर घर पर ही बनाकर खाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।